नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शबनम का बेटा ताज जेल में मिलने जाता है बार बार शबनम से। इसमें कोई भी किसी को भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ से मिलने जा रहा है। भले ही उसकी माँ कितनी भी बड़ी जुर्म क्यों ना किया हो, लेकिन उसकी माँ तो माँ है उसके लिए। इसी वजह से ताज ने बार बार अपील किया है, राष्ट्रपति से हो, सीएम से हो, राज्यपाल से हो, सभी से अपील अभी तक करता जा रहा है कि उसकी माँ को फांसी नहीं दी जाए। हालांकि ये सब कुछ जो है वो राज्यपाल के हाथ में अभी बचा हुआ है। दोस्तों इस बीच एक खबर आ रही है कि ताज को नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और थोड़ी सी चंद मिनट आप लोगों का समय लूंगा। तो बस आप इस चैनल पे बने रहे, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ताज जो कि बार बार लड़ रहा है, शुरू से लास्ट तक लड़ेगा, वो बार बार कह रहा है कि वो अपनी माँ को फांसी नहीं होने देगा, चाहे कितना भी कोई क्यों ना जोर लगा ले। दोस्तों इतनी बड़ी बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उसकी माँ है, और माँ के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे उसकी माँ कैसे भी क्यों ना हो, या फिर माँ अपनी बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जेल के मिलने का समय जो होता है वो तय होता है, आप दिन में एक बार मिल सकते हो, लेकिन ताज जो है वो चाहता है कि वो उससे बार बार मिले, दो बार, तीन बार, चार बार। इस वजह से उसे बार बार उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, उसका जो कह सकते हैं मिलने से पहले की जो समय जो लेता है जेल प्रशासन से, वो जेल प्रशासन बार बार मना कर देता है। तो ये एक सबसे मुख्य कारण है दोस्तों। और दूसरा कारण जो मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो कई सारे मोड़ अभी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो बताया था कि हो सकता है कि नवंबर में जो है इस महीने 15 तारीख के बाद से एक न्यूज़ सुनने को मिले शबनम के ऊपर कि हो सकता है कि फांसी होने वाली है। बरकरार है यही बात कि हो सकती है फांसी नवंबर में हो, ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ फैसला सुनने को मिले, चाहे वो शबनम के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। यानी कि हम लोगों को नवंबर में कुछ सुनने को मिलेगा, जिसका इंतज़ार कई सारे जो कह सकते हैं भारतीय जो हैं कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि शबनम को फांसी ना हो। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बता दूं आपको कि बस 15 तारीख के बाद देखते हैं कि क्या किस तरह का क्या सिचुएशन होता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले बताता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।